नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग उपमंडल जुखाला के तहत ब्रह्मा पोखर में ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है और विभाग को काफी इस समस्या के बारे में सूचना भी दी गई है, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जुखाला डिवीजन को अवगत भी करवाया गया है, वहां से अधिकारी आते हैं और मुआयना करके चले जाते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई हल नहीं हो पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जहाँ से पानी की सप्लाई की गई है वह गलत तरीके से की गई है, जिससे कुछ लोगों को पानी आ जाता है तो कुछ लोगों को पानी नहीं मिलता है, जिससे उन्हें या तो पैसे देकर पानी का टैंकर लाना पड़ता है या उन्हें हैंडपंप से भरना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी न आने से उन्हें काफी समस्या उठानी पड़ रही है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो ग्रामीण मिलकर आंदोलन करेंगे। पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है कि यहाँ बहुत बुरा हाल है। कईयों को पानी जो जिनको मेन लैंड से कनेक्शन दिया है उनको तो पानी की बल्ले बल्ले हो रही है, और हमारे को इतनी दिक्कत है। कभी आता है जब सब भर लेते, कभी बच गया पानी तो थोड़ा बहुत आ गया, नहीं है तो हमारे को टैंकर मंगवाना पड़ता है। जाए तो कहाँ जाए, किसके पास बोले। यही तो आज तो जय साहब मौके पर भी आए हुए थे, उन्होंने बोला एक्शन के पास जाओ, एप्लीकेशन दो। कितने बार एप्लीकेशन देना, क्या करना है, मेरा काम नहीं है। अब पानी हमारे को तो टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही, ना कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन से आग्रह करते हैं सरकार से कि हमारी समस्या का हल होना चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए। हमें एक दिन नहीं, तीसरे दिन पानी दो, दो घंटे दो, पर पानी आना चाहिए। जिनको पानी चला है उनको पानी चला है, जिनको नहीं है उनको नहीं है। तो बहुत क्या करें, कहाँ जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।